ब्लॉक के अंदर चश्मा लगाना पड़ता है भाई, फ्लैक्स करने के लिए, छोटा बड़ा फ्लैक्स करना पड़ता है। आप बस बोलोगे घर के अंदर चश्मा क्यों लगा रहा है, तो मैं आपके सामने चश्मा लगा रहा हूँ, नहीं घर के अंदर चश्मा लगाया। ओके गाइस, हम हो चुके हैं एकदम रेडी, पैकिंग इज डन एंड लेट्स गो देयर नाउ। अब मेरे पास जूते पहनूंगा और सीधा चलेंगे। अब वहां पे आकर के अगर किसी ने मुझे जज किया कि अमन भाई नहा के नहीं आया, तो देखो भाई सुबह के 5:30 बज रहे, यहाँ पे है बहुत ठंड, सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट थी, मैं नहीं आ रहा नहा के, मैं सीधा जा रहा मुंह धो करके एंड वहां पे सीधा पासी आपसे मिलेंगे। ओके जाने से पहले सालों बाद व्लॉगिंग हो रही है, तो सोचा है आज इस गिम्बल का स्वागत हम कर ही देते हैं। आज इसकी बस थोड़ा सा चार्ज हो, नहीं भी हो तो मैं इसको गाड़ी में चार्ज कर लूंगा एंड आज इसी से हम व्लॉगिंग करेंगे गाइस। ओके इस ही से बहुत टाइम से इसको यूज़ नहीं किया, ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये अपने दिमाग और अपनी आँखों को ट्रेस करके भी ऑटोमेटिकली उसकी तरफ घूम भी सकता है ये, तो ये बड़ा प्यारा सा चीज़ है। बस इसमें पोर्ट दिख रहा कौन सा, नॉर्मल USB पोर्ट है इसके अंदर। ओके इससे चार्ज हो जाएगा। ओ ये तो इसको शायद कस्टमाइज या अपग्रेड करने के लिए, इसका मेन चीज़ जो है चार्जिंग वो इधर से हो जाएगा। चलो गाइस आज हम इसको यूज़ करेंगे ब्लॉगिंग के अंदर, वहाँ पे फ्लैक्स करेंगे हम भी एक ब्लॉगर है, मामा के सामने मुँह पे लेके जाऊँगा इसको। सो गाइस हम लोग मोस्टली 3 दिन तक गेमिंग हाउस ही रुकने वाले हैं, शायद ऐसा मेरे को लग रहा है फीलिंग, क्योंकि मुंबई में है तो मतलब रुकना तो गेमिंग हाउस पे बनता है, ताकि मेरे को ऐसा ना लगे कि मैं बाहर आया हूँ, अपने ही घर में हूँ ऐसा लगना चाहिए ना थोड़ा सा। लेट्स सी कहाँ पे रुकेंगे अपन, वहाँ पे जाके पता चलेगा, शेड्यूल के हिसाब से होगा, क्योंकि वो मुंबई में और रोज 2 दिन तक ही ट्रैवल करना है, तो मैं भी गेमिंग हाउस में अगर मैं रुकूंगा तो मैं शायद वहाँ से स्ट्रीम भी कर सकूँ। तो मैंने एक जानबूझ के एक एक्स्ट्रा माउस ले लिया है, मेरा खुद का भी इसी वहाँ पे बन पड़ा होगा, क्योंकि माउस मैं इधर लेके आया हूँ। चलिए गाइस राइड इज हियर, लेट्स गो। तो गाइस जिस जंगल से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे अंकल जी बता रहे हैं मेरे को कि कल यहाँ पर 2 टाइगर रोड पे बैठे थे, क्योंकि ये एक जंगल है सीता माता जंगल, यहाँ पे सीता का जन्म हुआ था। यस राम जी की सीता का जन्म इस जंगल में हुआ था, ये हमारे गांव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, तो ये उदयपुर जाते वक्त इसी हाईवे से या रोड से आता है। देखिए आज क्या हमको यहाँ पर दिखेंगे तो मैं आपको जरूर इस फुटेज में दिखाऊंगा। गाइज हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे और अभी हम सीधा जा रहे हैं मॉल, जहाँ पे हम मीटअप करेंगे, मिलते हैं आपको सीधा वहाँ पर। मैं एकदम रेडी हूँ, मैंने कम से कम 40 मिनट की एकदम शानदार नींद ली है फ्लाइट में, और अब मिलते हैं सीधा मॉल में। फर्स्ट लुक कॉमिक कॉन मुंबई का एक मॉल में हुआ है, लास्ट टाइम तो था एक ओपन स्पेस में था बिल्कुल ही, लेकिन यहाँ पर अब छोटी 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 जगह की कमी है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में तो। गाइस सब लोग आ चुके हैं, सारे SA12 के मेंबर यहाँ पे, सिड भाई है यहाँ पे, मामा है, केतन है, केतन कृतिका है, कृतिका भी है। चल मुझे तू बता कि तू बोल तो रहा है मेरा फैन है, मतलब तू बहुत देखता है यूट्यूब वगैरह, तो मुझे सिर्फ ये बता तेने सब्सक्राइब कर रखा है दोनों चैनल में, मत दिखा मेरे को, देखने का है मेरे को, जानने का है मेरे को, जानने का इसके फोन से SA12 का सबका किया है। देखो दोनों चैनल का देखूंगा मैं, दोनों ये फैन है मेरा, इसको पता ही नहीं, मैं इसको पता ही नहीं, पूरा सबका किया है, देखो मेरे को दिखा, देखो ठीक है, वाइपर मॉडल नेटफ्लिक्स न्यू अपडेट कैरियर थी मॉडल का नाम, तेने बहुत लेफ्ट राइट तो कर रखा है, नेट नहीं चलेगा इधर, अरे हाँ मेरे को नहीं नहीं नेट में दे दूंगा, कोई बात चलेगा मैं दे दूंगा भाई, देखो मैंने किया, तू रुक जा भाई। गाइस इसको है ना, इसको हम अवार्ड देने वाले SA12 का नंबर 1 फैन मीटअप पे आने वाला बंदा, हमेशा हर जगह आ जाता है, हर जगह वो सारे डोर पता रहते हैं इसको, किस डोर से आने वाले हैं वहीं पे खड़ा रहता है हर बार। तुम लोग अभी कर रहे हो ना, अभी मैं चेक कर सकता हूँ, पता है ना, इतनी भीड़ में ये गलती से मिल गया है, बिखरा हो का ऑनर ऑनर नहीं बिखरा वो। सो गाइस केतन वापस बुट के आ चुका है, कंटेंट की कमी अब नहीं पड़ेगी केतन को, यार मेरे को तो वैसे भी नहीं पड़ती भाई, अब नहीं, अच्छा हाँ यार सॉरी गाइस मेरे से गलती हो गई, भूल गया भाई, हम सब करते हैं, नहीं मैं भूल गया, मैं कुछ और भूल गया। सो अभी हम लोग सिर्फ देखने आए कि क्या है और कॉमिक कॉन है। मैं अभी अपना रूम बनाने वाला हूँ, उसके लिए मैं अच्छी जगह पे आया हूँ, तो यहाँ से मैं एनिमे के बहुत सारे फिगर्स ले सकता हूँ, बहुत सारे फोटोज ले सकता हूँ, जो मैं मेरे गेमिंग रूम में लगा सकता हूँ, लेने वाला हूँ मैं, बाद में शॉपिंग करूँगा, अभी सिर्फ देख रहा हूँ क्या क्या है और यहाँ भाई खतरनाक चीज़ें जो भी है, क्या बन के आया है ब्रो, इसका लग रहा है कि सिर्फ बचा नहीं है, बस ऐसे ही खड़ा कर दिया भाई, खतरनाक है ब्रो ये तो, है ना। हाँ ना गाइस अभी हमारा यहाँ पे फोटोज लेने आए हैं बहुत सारे लोग, केतन को भी देख लो, परेशान कर रहा है फैंस को, बोल रहा है मैं नहीं दिलवाऊंगा फोटो, और उसके बाद हम जाएंगे गेमिंग हाउस। मॉर्निंग गाइस, तो आज है डे 2,
और आज हम जल्दी फिर से उठ चुके हैं। माना कि आज भी हम नहीं सोए हैं, अभी भी हमारे अंदर नींद जो है वो बची है, लेकिन हम फिर से आ चुके आप सबके लिए। आज है डे टू कॉमिक कॉन का, और उससे पहले गेमिंग हाउस में नई शक्लें दिखी है आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नई शक्लें दिखी है। दिस इज न्यू लेवाइस सोल रेगल्टॉस, हाथ मिला दीजिए। कैसे एंड ये हमारे केतन द रेड कलर वाले फोन वाले ब्लॉगर। और गाइस आज पेपर नहीं हो रहा क्या? बैक बैक के जो एग्जाम दे रहे हैं। नहीं भाई अभी पढ़ाई छोड़ दी हमारी हो गई। और यहाँ पर एक और बंदा आ चुके हैं, विच इज वन ऑफ द इंडियाज को सेम जगह चौथी बार हेलो कर रहा हूँ। हाँ कर दो यार, कोई बात नहीं, मतलब हर ब्लॉग में करना चाहिए। और कॉमिक कॉन में क्या बन के जा रहे तू? हम कॉमिक कॉन में चमन चमन दिख रहा हूँ इधर तो दिखा। गाइस अमन कॉमिक कॉन में अपने आप को कॉस्प्ले कर रहा है, देखो। ब्रो मैं मतलब मैं वहाँ का सबसे स्मार्ट लगने वाला बंदा हूँ वहाँ पे, मतलब लड़कियाँ वहाँ पे सारी फिदा हो जाएंगी। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? भेला बनती भाई, ये सच बोला है, ये सच बोला है। अरे ये इमॉर्टल चला गया इसलिए बज रहा है, देख एक बार। अबे तेरा पूछ रहा हूं तो भाई, वो मैं जा करके छोड़ चुका हूं अभी, मेरे वो मोम आया। क्या बोले, नहीं हो पा रहा है, सिंपल सी बात है, मेंटेन नहीं कर पाया। सच बात है, नहीं कर पाया बस नहीं कर पाया। तू करके दिखा दे, तू एक महीना करके दिखा दे, मान जाओ कर भी दूंगा, मेरी बात सुन, कर भी दूंगा ना, अभी देखते कर करके दिखा। कल लाइट गई, दो राउंड वाला लाइट स्ट्रीम करा था मैं, मेरा कितना माइनस है सोचेगा? सोच एक बार, गेस कर स्लाइड की कितना माइनस है? 20 -36। तो लाइट के लिए इन्वर्टर लगाओ, और मैं रैंक मेंटेन कर रही, तो थोड़ा पैसा खर्च करो। हम कह रहे थे कि अभी हम निकलने वाले हैं, और वहाँ पर कुछ एक चैलेंज वीडियो है, और आज का एक सरप्राइज भी दिखेगा किसके ब्लॉग में, और बहुत बड़ा सरप्राइज है, जो भी कॉमिक कॉन डे टू में आएंगे वो आपको मेरे ब्लॉग में बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत प्यारा सरप्राइज होने वाला है। हम यहाँ पे आ चुके हैं, और हमारे साथ में है आदि, ये लूफी का ये पहन के आया, और ये आज यहाँ पे एक चैलेंज करने वाला है सारे नरूटो फैंस को, जाके क्या बोलने वाला है कि वन पीस इज बेटर, देखते हैं। तो गाइस अभी फोटो अभी नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, पर्सनल लाइफ में दखल मत दो, चुपचाप साथ में चल। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, सब लोग साथ में शॉपिंग करने नहीं जा रहे, वैसे ही घूमने जा रहे हैं। हाँ मतलब घूमने शॉपिंग करने देखने, बेसिकली वही है। गाइस मैंने ये लिया है लूफी का, बहुत प्यारा लग रहा है, इसको मैं वॉल पे लगाऊंगा अपने गेमिंग रूम बना रहा हूं, बहुत मस्त लग रहा था इसलिए मैंने ये ले लिया। यहां पे एक शॉप है जहां पे लाइव प्रिंट हो रहा है 3D, क्या बनवा सकते हैं मामा यहां से? अपन चाहे आपका फोटो या फिर मेरा फोटो भी बनवा सकते हैं। कैसा दिखेगा, कैसे पता? बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया ले रहे हो, सस्ता भी है, सस्ता भी है, बहुत 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 सस्ता है, बहुत सस्ता। उसका नाम क्या, एक बार नाम तो बता दो एनिमे का। आपने देखा है वो? अच्छा वो सेम लड़की थी, लड़की सेम थी, बस वो डिफरेंट कर दो कर दो, ऐसे ले लो, बहुत पसंद आ रहा है ये वाला, पता नहीं क्यों पसंद आ रहा है वेजिटा। मैं एक ये वाला भी ले रहा हूँ, फिट भाई सही है ना ये? ये वाला ना, हाँ ये वाला। गाइज अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं लेनोवो लीजन बूथ पे, पावर्ड बाय इंटेल 12 जनरेशन गेमिंग प्रोसेसर, एंड यहाँ पर हम सबसे पहले आए हैं देखने यहाँ पे क्या चीज है, जाके एक्सप्लोर करते हैं। ये भाई हमारे लिए कुछ लेके आया है, ये कल भी आया था और कल स्ट्रीम पे भी आया था मेरे। क्या लेके आया? ये नेकलेस लेके आया, ये बहुत प्यारा है, मोस्टली कल की स्ट्रीम पे मतलब या फिर आज की स्ट्रीम पे इसको पहन के भी स्ट्रीम पे। कृतिका का सरप्राइज ये है, सेज मैन अवार्ड। कृतिका यहाँ पे किसको रिवाइव करने वाले हो तुम? मैं नहीं गिरने वाला, मामा को कृतिका भी रिवाइव करेगी। चलेगा चलेगा, कैसे भी लेट हो। अरे हाँ सही है, ऐसी होती बॉडी सच्ची में। अरे कृतिका गन, अरे गन छोड़ दो ना, डायरेक्ट रिवाइव करने आ रही है। अरे कोई है ही नहीं इधर।
अरे उठ अरे बोलो ना, योर ड्यूटी इज नॉट ओवर। आप तो चाइनीज बोले कुछ। अरे कैसे कैसे पढ़े हो यार मामा। गाइस यहां पे देखो कितने सारे लोग। हाँ परफेक्ट परफेक्ट। योर ड्यूटी इज नॉट ओवर। अरे खड़े हो, जंप 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 जंप। मुझे लग रहा था सबसे हगार्ड पार्ट मेरा ही होगा। खड़े होकर कूद रहे हैं। ये देखो सेठ भाई की शॉपिंग। मामा ने गिफ्ट किया है ये। मामा ने गिफ्ट किया है, लिया तो आपने ही है। वैसे है ना, रोज स्ट्रीम करने का मजा तो आएगा ये देख। बाजू में रखूंगा वो। बहुत ही गलत है भाई, एकदम परफेक्ट। आपने किया ये? बहुत प्यारा डिजाइन है, बहुत प्यारा। हम लोग निकल रहे हैं, हमारी शॉपिंग हो गई है सबकी। देखो सबके हाथों में कुछ ना कुछ है। देखो आदि भी पूरा पकड़ के रखा है सब। कृतिका के तो हाथ तो कॉस्ट्यूम में और गन पकड़ने में ही है, अभी क्या कर सकते हैं। और हम कहीं रास्ते में गिर जाए तो रिवाइव कर दे रहा। ओके ठीक है, ओके सर भाई बस बात कर रहे हैं। और हम सीधा अब निकलेंगे, सीधा जाएंगे गेमिंग हाउस, और गेमिंग हाउस जा करके सीधा स्ट्रीम करेंगे। ओके रिकॉर्ड कैसे करूं? मेरा जादू चल गया।